नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा सात में विज्ञान पढ़ेंगे। कक्षा सात की विज्ञान में इसके पहले वाले वीडियो में हम पाठ सात में आपको चला रही थी, जिसका नाम था पौधों को जाने, यानी पौधों, पेड़ और पौधों के बारे में हमें इस पाठ में जानकारी दी गई थी। और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पेज नंबर 52 से लेके और पेज नंबर 54 तक आपको मैंने चला दिया था। हमारा 55 तक ये पार्ट कंप्लीट हो गया था और मैंने आपको घर काम में ये पार्ट जितना चलाया था उतना पढ़ने के लिए कहा था और स्वाध्याय पोथी में प्रश्न उत्तर लिखने को कहा था। तो यहाँ तक मैंने आपको चला दिया था और आज हम पेज नंबर 56 से पढ़ना शुरू करेंगे। ये जो हमारा पेज नंबर 56 है वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये पाठ मैं आपको मैं पढ़ रही हूँ, आप ये पाठ को जब ये पाठ को जितना आज मैं चलाऊंगी वो फिर से आपको रिपीट करना होगा। तो आज हमारे पाठ है चित्र ए और बी, यहाँ पे आपको दिया है एक पत्ते का चित्र दिया है और एक यहाँ पे जायकल रूप का चित्र दिया गया है। चित्र 7.10 में पत्ते का सिरा यानी विनायस और जालकी का रूप आपको यहाँ पे बताया गया है। इस क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिलती हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको क्या करना है धूप में, ये मैंने आपको थोड़ा चला दिया था, इसीलिए मैं ये पार्ट आपको ये पैराग्राफ सिर्फ समझा रही हूँ कि हमको क्या करना है। एक प्लास्टिक की थैली लेने की है और इस तरह से इस पत्ते को हमें ढक देना है। और ये क्रियाकलाप हमें कब करना है, दिन में करना है, यानी जब धूप हो ना तब। धूप से क्या होगा कि पत्ते में इसमें गर्मी आएगी और यहाँ पे थैली में हमें कुछ बूंदे भाप की दिखाई देगी। और ये जो थैली लेंगे वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, पारदर्शी होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह। पत्ते का क्या कार्य करते हैं, यानी पत्ते क्या कार्य करते हैं उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। हमने पत्ते के ऊपर थैली को क्यों बांधा, क्या पौधे को वाष्प सर्जन से निकालने का जल वाष्प में हमने अयत देखा है। अध्ययन 5 के इन क्रियाकलाप के विषय में संस्मरण कीजिए, जिसमें जल विभिन्न अवस्था में बदल जाता है। क्या आपने इसके नाम बता सकते हैं, उन प्रक्रम का नाम बताइए जिसमें कारण जल बिंदु के रूप में परिवर्तन पॉलीथीन की थैली के ऊपर दिखाई देता है। पत्तियां और भी कार्य करती है, आइए इसका अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से बच्चों, जब हम प्लास्टिक की थैली को, पारदर्शी थैली को हम इस तरह से बांधते हैं तो इसमें भाप का प्रदर्शन होता है और वो हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार के प्रयोग हमने आगे वाले पार्ट 5 में भी करने को मिला था। और जिस तरह से वो पानी की बिंदु, तो इस तरह से हमको अनेक प्रकार की पत्ती और प्लास्टिक की थैली का प्रयोग हमने कई बार देखा है। तो प्लास्टिक की थैली का जब हमने प्रयोग किया तो उसके अंदर हमें कुछ बाष्प यानी पानी की बूंदे भी हमें दिखाई दी। तो वो पानी की बूंदे कहाँ से आई बच्चों, धूप में रखने की वजह से उसमें भाप उत्पन्न हुआ और उस प्रकार से वो पत्तियों में से जो पानी होती है उसमें से वो भाप उत्पन्न होके थैलियों में दिखाई देती है। आगे है क्रियाकलाप नंबर 5, आवश्यक सामग्री पत्ती, स्पीट, बीकर, परख नली, बर्नर, जल, प्लांट एवं आयोडीन विलियम, स्टैंड स्पेट लेने का है आपको यहाँ पे इस प्रकार का। तो प्रयोग करने के लिए हमें इन सब की जरूरत पड़ेगी। परख नली में एक पत्ती रखी अथवा उसमें पर्याप्त मात्रा में डिप्रेंट डालिए जिससे पत्ते उसमें पूर्ण डूबे रहे। जो हमको डालने का है उसे हम एक प्रकार का सीप्रेंट यानी सेंड होता है उस प्रकार हमें डालना है और वह किस प्रकार डालना है कि पत्ती पूरी डूब जाए। अब इस परख नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक पत्ती में हरा रंग पूर्ण बाहर नहीं दिखाई जा सकता। अब पत्ते को परख नली में ध्यान पूर्वक बाहर निकालिए, जल से भली भांति धोइए। इस प्लांट में रखा आयोडीन विलियम की कुछ बूंदे डालिए जो चित्र 7.12 में है। आपने क्या देखा, आपके परीक्षण की तुलना अध्ययन 2 में खाद्य पदार्थ की सामग्री पुष्ट का उपस्थित एवं परीक्षण के लिए किया गया है, परीक्षण में किया जाएगा। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में माण है
हमने अध्ययन दो में देखा कि कच्चे आलू में मण उत्पन्न होता है। आलू में यह मण पौधों के अन्य भाग से आकर एकत्रित हो जाता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग की एक पदार्थ उत्पन्न में अपना भोजन बनाती है। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस क्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होता है पत्ती द्वारा संभावित भोजन, अतः पत्तों के विभिन्न भागों में मंडली के रूप में संग्रहित हो जाता है। यहाँ पे आपको एक प्रयोग करने के लिए बताया गया है, एक स्टैंड लेना है इस तरह से। बच्चों हमको स्टैंड में हमको क्या करना है, ये बीकर डाल देना है और ये हरी पत्ती भी डाल देना है बैगनी, और जब हम डालेंगे पत्ती को इसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर हमको क्या डालना है, श्रीफ्रड यानी एक प्रकार का हमें इसमें पदार्थ डालना है, और वो पदार्थ इस तरह से डालना है कि पत्ती एकदम भीग जाए। भीगने के बाद वो पत्ती को हमें बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद उसे पे पानी से धो देना है। पानी से धोने के बाद उसमें हमें आयोडीन की कुछ बूंदें डालनी है। आयोडीन की हम जब कुछ बूंदें डालेंगे तो वो पत्ती में परिवर्तन हमको दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको एक बैगनी रंग का पत्ता वो हो जाएगा जब हम उसमें आयोडीन डालेंगे। जब हम ये पत्ती को अंदर भिगो देंगे कुछ समय के बाद, जब हम बाहर निकालते हैं और बाहर निकालने के बाद पानी से धो लेना है। पानी से धोने के बाद हमको एक कटोरी में लेके और उसके ऊपर हमको क्या डालना है, बैंगनी रंग का पत्ता था, जब हम आयोडीन डालेंगे, आयोडीन विलियम डालेंगे तो पत्ता इस रंग का हमें दिखाई देगा। यहाँ पे आपको टिप्पणी दी गई है, क्या इस क्रियाकलाप में स्टीपर को गर्म करना होता है अथवा अध्यक्ष को कक्षा में ये प्रयोग स्वयं करके दिखाना चाहिए। जिसे हम ये स्प्रेट दिया गया है उसे हमको ये गर्म करना है, और फिर गर्म करने के बाद जब हम पानी डालेंगे तो आयोडीन डालेंगे तो इस तरह का हमें पत्ता दिखाई देगा। तो इस क्रिया को हमें क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहलाती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है पत्ती द्वारा संश्लेषण भोजन, अतः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित होता है। आगे आपको बताया गया है, पूछा गया है प्रश्न कि क्या पत्ती में भी हमें मार दिखाई देता है, जिस तरह से हमें आलू में पाठ दो के कच्चे आलू में हमें मण दिखाई देता था, उपस्थित होता था, तो क्या उस प्रकार का हमें पत्ती में भी दिखाई देता है बच्चों? तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पत्ती द्वारा संश्लेषित भोजन, अतः पौधों के विभिन्न भागों में मंडली के रूप में संग्रहित होता है। जो पौधों के पत्ते होते हैं ना बच्चों, उसमें हमें अनेक अनेक भागों में भोजन के रूप में मंडलिन का संग्रह किया जाता है, यानी वह उस प्रकार संग्रहित होता है। अब तक हमने जो क्रियाकलाप की उसमें से हमने देखा कि तने पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपने भोजन बनाने के लिए करता है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा हर्ष वाष्पजन द्वारा होती है। तन और पत्ती को जल कैसे प्राप्त होता है, यह कार्य जड़ करती है। आगे बताया गया कि अब तक हमने जितना भी प्रयोग देखा उसमें हमने क्या देखा कि जो पत्ती तने होते हैं वह तने तक पानी कौन पहुंचाता है, पत्ती पहुंचाती है। पत्ती जल का उपयोग भोजन यानी जो पत्ती होती है वो पानी पीने के लिए और पेड़ों को भोजन बनाने के लिए उसका उपयोग करती है, और कुछ मात्रा में पत्ती जो होती है वह वाष्प सर्जन द्वारा होती है, और तन और जो पत्ती होती है वो जल प्राप्त करने का कार्य करती है। सारे का भोजन का कार्य, सारे कार्य यह जड़ करती है। जड़ से पत्ती तक पानी जाता है, इस प्रकार यह भोजन बनाने का कार्य भी उसी से होता है। यहाँ पे आपको चित्र में 7.13 पौधों को जल देते हुए दिखाए। जिस तरह से हम कोई पौधों में पानी डालते हैं तो हम जड़ में डालते हैं ना बच्चों, जड़ में जब हम पानी डालेंगे तो वो जड़ सारी पत्तियों के पास, तनों के पास अपना खाना यानी पानी पहुंचाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पत्तियां अपना भोजन जड़ से प्राप्त करती है। पौधों का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर अंदर है, आइए निम्न क्रियाकलाप द्वारा पौधों के इस भाग के बारे में और भी जानकारी प्राप्त करते हैं।
तो क्रियाकलाप इस यह जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्रियाकलाप छे आवश्यक सामग्री लीजिए, दो गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कच्चे एवं जल। यह क्रियाकलाप 4.5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे में किसी खुरपतार के एक जैसे दो पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रखिए कि उनके जड़ों को कोई छेद ना हो। खुरपी का एक यहाँ पे आपको बच्चों ये क्रियाकलाप करने के लिए दो गमले लेने हैं, एक और भी, और ये दो गमले कुछ मिट्टी और खुरपी भी लेना है, ब्लेड और कैंची और पानी भी लेना है, और ये सारे कार्य हमें बच्चों के बीच में विद्यालय में करना है। हमें पौधों को इस प्रकार से लेना है कि दूसरे पौधों को ठेस ना पहुंचे और दूसरे पौधों का भी हमें ध्यान रखना है। इस तरह से हमने दो गमले लिए, ए और बी। एक पौधों में आप एक गमले में आपको जड़ दिखाई दे रहा है और दूसरे में आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस तरह से बच्चों मैंने आज आपको पाठ 7 में पेज नंबर 56 और पेज नंबर 57 पढ़ाया है। तो जितना आज मैंने पढ़ाया है वो आपको घर पे एक बार वापस से रिपीट करना है और स्वाध्याय पोथी में पाठ 7 भरना है, और जितना मैंने पढ़ाया है शुरू से लेके और पेज नंबर 57 तक आपको एक बार फिर पढ़ लेना। बार बार ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको प्रश्न उत्तर अपने आप याद भी हो जाएंगे और प्रश्न के सारे उत्तर आपको अपने आप आने लगेंगे। तो इस वीडियो को अच्छे से देख के पाठ पढ़ के और फिर स्वाध्याय पोथी में पाठ 7 पूरा करिएगा। धन्यवाद।